हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर वर्ली आर्ट कोर्स। तो आज का जो वर्ली आर्ट कंपोजिशन है वो आज हम बनाएंगे कलर पेपर पे। सो आज का मटेरियल लिस्ट है कलर पेपर A4 साइज। सो दिस वन इज द A4 साइज रेगुलर क्राफ्ट पेपर, रेड वन। यू कैन यूज रेड और ब्राउन और डार्क ब्लू ऑल्सो यू कैन यूज। फिर उसके लिए हमें चाहिए इसके पेपर ड्राइंग के लिए जेल पेन। दिस इज़ दी वाइट जेल पेन। ये आपको इजीली आपके नियर बाय स्टेशनरी शॉप में मिल जाएगा और अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे भी ये अवेलेबल है। ऑनलाइन भी आप ले सकते हो। फिर एक पेंसिल एंड स्केल। अगर आपके पास ये मटेरियल नहीं है, नो वरीज। इसके पहले के जो हमने बनाए हैं कंपोजिशंस इस तरह से वाइट पेपर पे विथ ब्लैक स्केच पेन, तो ये भी आप मटेरियल यूज़ कर सकते हो, ब्लैक स्केच पेन एंड वाइट पेपर, रेगुलर वाइट पेपर। लेट्स स्टार्ट। अभी यहाँ पे हम इसके लिए डायरेक्टली ये जेल पेन यूज़ करेंगे विथ द हेल्प ऑफ स्केल। तो यहाँ पे कुछ डिस्टेंस आपको छोड़ना है क्योंकि हमें ये जो लाइन हम यहाँ पे देंगे इसके इस साइड में, आउटर साइड में हमें डिज़ाइन करना है। तो हम स्टार्ट करेंगे। अप्रॉक्स आप 1 थंब डिस्टेंस छोड़ दीजिए। जस्ट लाइक अ पेज बॉर्डर, जैसे हम पेज बॉर्डर करते हैं उसी तरह से हमें ये करना है। जस्ट ध्यान रहे कि हमें ये जो डिस्टेंस है 1 थंब डिस्टेंस हमें यहाँ पे छोड़ना है। ये हमें कंटिन्यू करना है चारों साइड में। ये हो गया हमारा चारों साइड से बॉर्डर रेडी। अभी इसके अंदर की तरफ भी हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। सो ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं छोड़ेंगे हम। अभी ये जो यहाँ पे हमने बाहर की तरफ जो एक स्पेस छोड़ा है, यहाँ पे हम और एक लाइन लगाएंगे, बट यहाँ पे हम पेंसिल से लगाएंगे। जस्ट फॉर रेफरेंस यहाँ पे हम ट्रायंगल्स ड्रॉ करने वाले हैं। अभी ये डिस्टेंस सब जगह पे चारों साइड में सेम आना चाहिए। इस तरह से स्लैंटिंग लाइन से स्टार्ट करना है यहाँ पे। अभी यहाँ पे डिज़ाइनिंग के लिए हमें स्केल नहीं यूज़ करना है, यह हम हाथ से ही डायरेक्टली बाय हैंड फ्री हैंड करेंगे। जस्ट स्लैंटिंग लाइन हमें कंटिन्यूसली पूरे बॉर्डर में कंटिन्यू करना है। इसका डायरेक्शन जो है लाइंस का ये सेम होना चाहिए। इस तरह से हम स्लैंटिंग दे रहे हैं तो हम सब जगह पे इसी तरह से स्लैंटिंग कंटिन्यू करेंगे। फुल बॉर्डर पे आपको एक ही डायरेक्शन में लाइंस ड्रॉ करने हैं। ये जो बाहर का बॉर्डर है मैं इसको थोड़ा सा और थिक बना रही हूँ इस तरह से। अभी ये पूरे बॉर्डर के अराउंड हम स्टार्ट करेंगे ट्रायंगल्स।
इस तरह से पूरे बॉर्डर के अराउंड हमें ट्रायंगल्स ड्रॉ करने हैं एंड इसको फिल करना है। अभी फिल करते समय हम ये वाला पोर्शन फिल करेंगे। ये वाला नहीं करेंगे, ये वाला जो इस तरह से ट्रायंगल से वो वाले हम फिल करते जाएंगे। इस तरह से ये हमारा बॉर्डर पूरा कंप्लीट हुआ है। मेक श्योर कि सारे जो ट्रायंगल से एक ही लाइन में अच्छे से सेम शेप में आ जाए, सेम साइज में आने चाहिए, इसलिए हमने ये रेफरेंस लाइन पेंसिल से ड्रॉ किया था। नाउ वी कैन इरेज इट। ये जो बाहर का लाइन है पेंसिल से हमने ड्रॉ किया था ये वाला, ये अभी हम इरेज कर सकते हैं। नाउ विल स्टार्ट विथ दी, यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे ट्री के साथ। तो यहाँ पे कोकोनट ट्री हम ड्रॉ करते हैं पहले। स्लैंटिंग लाइन वर्ली आर्ट में दो तीन अलग अलग टाइप से ये कोकोनट ट्रीज ड्रॉ किए जाते हैं। इसी में से ये एक पैटर्न है। डायरेक्शन चेक कीजिए। जेल पेन बहुत अच्छे से स्मूथली चलते हैं, आराम से, और बहुत मज़ा आता है इसके साथ काम करने में। इस तरह से हमें कंटिन्यू करना है। यहाँ पे हम कुछ कोकोनट्स ऐड कर देते हैं। और ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइंस। एकदम क्लोजली ड्रॉ कर दीजिए। यहाँ से एक और कोकोनट ट्री हम ड्रॉ करेंगे। सेम जैसे ये हमने बनाया था उसी तरह से ये भी हम बना लेते हैं। ये हो गया हमारा और एक कोकोनट ट्री रेडी। कुछ कोकोनट्स
अभी यहाँ पे हम फिगर्स बनाएंगे, ह्यूमन फिगर्स जो इसके ऊपर जा रहे हैं। जो ट्रायंगल्स हम ड्रॉ कर रहे हैं ये भी आपको फिल करना है। मेल फिगर है तो इसको आप इस तरह से एक लाइन भी दे सकते हो, या फिर ये नहीं दिया तो भी चलेगा। यहाँ पे और एक फिगर ड्रॉ करेंगे। ट्रायंगल्स यहाँ पे कुछ स्टोन्स डाल सकते हैं। यहाँ पे कुछ ग्रास के लिए इस तरह से स्लैंटिंग लाइन यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं तरह से। यहाँ पे और एक फिगर बनाया, फिर नीचे भी कुछ अभी फीमेल फिगर्स भी यहाँ पे बनाएंगे। इसका स्टैंडिंग पोजीशन थोड़ा सा डिफरेंट हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे जैसे रेगुलर हमने ड्रॉ किया था, अभी इसका थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से ड्रॉ करेंगे। फीमेल फिगर के लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा एक सर्कल आता है। यहाँ पे एक सीटिंग पोजीशन बनाते हैं।
इस साइड में हम हार्ट ड्रॉ करेंगे। अभी यहाँ पे मैं इस तरह से लाइंस लगा, तो ये सेंटर पकड़ के चलना है और यहाँ से अब हमें सारे लाइंस ड्रॉ करना है। तो जैसे जैसे हम इस साइड में जाएंगे वैसे वैसे लाइंस जो है वो कर्व होते जाएंगे, राइट। ये जो आउटर शेप जैसे है इस तरह से ये कर्व होंगे। अब इसको थोड़ा सा हम इसमें और लाइन्स ऐड कर देंगे। और ये जो अंदर के लाइन्स दिए थे हॉरिजॉन्टल, इसको थोड़ा थिक कर देना। अब ये सारे लाइंस को ठीक कर देना है हमें। थोड़ा सा पेपर इस तरह से होल्ड कर सकते हैं। उसके बाजू से जस्ट आप एक्स्ट्रा लाइन डार्क ऐड कर दोगे तो वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। देखो इस तरह से मेन मेन जो लाइन्स है वो हमें ठीक करने हैं सारे। इस तरह से आप कहीं पर थोड़ा सा थिकनेस ज़्यादा भी रख सकते हो, इट लुक्स लिटिल बिट रियलिस्टिक। और इस पोर्शन में यहाँ पे आप पूरा कंप्लीटली फिल भी कर सकते हो अंदर से, या फिर इसको भी थिक कर दीजिए।
अभी इसका डायरेक्शन चेक करना है, ये इस तरह से डायरेक्शन में मैंने इसे लैंडिंग लगाया है और इसके नेक्स्ट साइड में अपोजिट डायरेक्शन। फिर यहाँ पे बीच में वर्टिकल, यहाँ पे एक हम लैंप लटका देते हैं। अभी यहाँ पे देखिए हम क्या बना रहे हैं, यहाँ पे अभी एक फीमेल फिगर ड्रॉ करेंगे। सो यूजुअली विलेजेस में अर्ली मॉर्निंग में लोग आते हैं और वो बहुत सुंदर सा कीर्तन करते हैं वासुदेव का, और फिर घर के जो लेडीज़ होते हैं वो उनको घर में जो धान्य वगैरह होता है वो उनको देते हैं। तो इस तरह का ये सीन है, उनके हाथ में एक प्लेट है जिसमें धान्य है। यहाँ पे एक स्मॉल गर्ल ड्रॉ करेंगे।
यहाँ पे एक बर्ड ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे इस तरह से आप दो बर्ड ड्रॉ कर सकते हो। अगर यहाँ पे कुछ ज़्यादा स्पेस है आपके पास तो यहाँ पे और दो तीन बर्ड्स भी आप ड्रॉ कर दीजिए। यहाँ पे कुछ फ्लाइंग बर्ड्स, और ये हो गया हमारा कंपोजिशन रेडी। थैंक यू। अगर आपको कुछ क्वेरीज है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और आपको ये आर्ट, ये कंपोजिशन कैसे लगा या मेंशन कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, ताकि इसके आगे के वीडियोस बनाने में हमें मोटिवेशन मिले। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप सारे वीडियोस, इसके आगे के सारे जो वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते जाएंगे। और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।